वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल ऑल स्कूल्स कॉलेजेस। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ बीएससी इन एनेस्थीसिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके ये बोला था कि सर बीएससी इन एनेस्थीसिया के ऊपर वीडियो बनाइए कि बीएससी इन एनेस्थीसिया क्या होता है, इसके कोर्स डिटेल्स क्या क्या हैं, इसकी मिनिमम फीस कितनी है, वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें बीएससी इन एनेस्थीसिया कर सकते हैं, उसके बाद बीएससी इन एनेस्थीसिया करने के बाद जो आपकी मिनिमम सैलरी होगी कितनी होगी, बीएससी इन एनेस्थीसिया करने के बाद आपकी मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी, और वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपको हायर करेंगी, और आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, आपके जो पोजीशंस हैं बीएससी इन एनेस्थीसिया करने के बाद वो क्या क्या हो सकती है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेट्स सी द कोर्स हाइलाइट्स। द लेवल ऑफ दिस कोर्स इज ग्रेजुएशन, ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 3 years, एग्जामिनेशन टाइप इज एनुअली, eligibility for this course is 10 plus 2 with minimum 45% aggregate, admission process is entrance based or merit based, top entrance exams is NEET, AIIMS, VVP, CET, NIMS and many more, average tuition fees is 30,000 to 40,000 per year, average salary is rupees 3 lakh to 15 lakh, job profile is anesthesiologist assistant, certified registered nurse anesthetist, anesthesia technician, surgeons, medical consultant and many more। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए बीएससी इन एनेस्थीसिया करने के लिए। स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर द कोर्स मस्ट हैव पास्ड 10 प्लस 2 विद मिनिमम 45% एग्रीगेट इन पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। द कैंडिडेट माइट आल्सो नीड टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम विच इज कंपलसरी फॉर एडमिशन टू सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो नीट, एम्स, एआईसीईटी, बैंगलोर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, वीवीपीसीईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स, एनआईएमएस स्कूल्स ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स एंड मैनी मोर। बात करते हैं रिक्वायर्ड स्किल सेट क्या क्या होना चाहिए बीएससी एनेस्थीसिया करने के लिए। द फर्स्ट इज इफेक्टिवली कम्युनिकेट, सेकंड इज मैनेजमेंट स्किल्स, थर्ड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, फोर्थ इज राइटिंग कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन ऑब्टेंड फ्रॉम पेशेंट, फिफ्थ इज असर्टिवनेस स्किल्स, सिक्स्थ इज मेडिसिन इज अ टीम वर्क टू नॉट गेट आइसोलेटेड, सेवेंथ इज द एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, एट्थ इज नो इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। आपका सिलेबस क्या क्या होना चाहिए हमने आपको डाटा के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। आप वीडियो पॉज करके आप सिलेबस पूरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि बीएससी एनेस्थीसिया का सिलेबस क्या क्या होता है। बात करते हैं पॉपुलर कॉलेजेस एंड फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन से पॉपुलर कॉलेजेस हैं जिनमें आप पढ़ सकते हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले नाम आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, इसका फीस स्ट्रक्चर है 24,000 पर एनम। नेक्स्ट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, फीस इज 23,000 पर ईयर। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस मुंबई, फीस इज 31,000। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, फीस इज 16,600। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे 45,500। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, फीस इज 24,000। के एस हेगड़े मेडिकल अकेडमी मैंगलोर, फीस इज 60,700। श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तिरुपति 20,200। गाइज मैं बता दूँ ये फीस पर ईयर की फीस है, ये मिनिमम फीस स्ट्रक्चर्स हैं और वो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में जिनमें आप बीएससी इन एनेस्थीसिया कर सकते हैं। करते हैं टॉप रेटिंग कंपनीज के बारे में। सबसे पहले है नारायणा हरदयाला हेल्थ सिटी बेंगलोर, सेकंड इज जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड थाने, मेवार हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, अस्टर मेडिसिटी कोच्चि, अपोलो क्रेडल बेंगलोर, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली, वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल झज्जर एंड मैनी मोर। बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज आफ्टर बीएससी इन एनेस्थीसिया क्या क्या है। मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, सेकंड इज इंस्टीट्यूशंस, थर्ड इज स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, फोर्थ इज नर्सिंग होम्स, फिफ्थ इज आउट पेशेंट केयर सेंटर, सिक्स्थ इज ऑफिसेस ऑफ फिजिशियंस। इन सारी जगहों पर आप जॉब कर सकते हैं बीएससी एनेस्थीसिया कंप्लीट करने के बाद। बात करते हैं जॉब पोजीशंस की जो बीएससी एनेस्थीसिया के बाद आपकी हो सकती है। फर्स्ट इज एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सेकंड इज मेडिकल कंसल्टेंट, थर्ड इज एनेस्थेटिस्ट, फोर्थ इज पीडियाट्रिशियन, फिफ्थ इज क्लिनिकल एसोसिएट, सिक्स्थ इज सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेटिस्ट, सेवेंथ इज एनेस्थीसियोलॉजिस्ट असिस्टेंट, एट्थ इज एसोसिएट कंसल्टेंट एंड मैनी मोर। कंपनीज जो है वो है नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस, जुपिटर हॉस्पिटल, मेवार हॉस्पिटल, एस्टर सीएमआई हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर एंड मैनी मोर। बात करते हैं आपकी मिनिमम सैलरी से मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट क्या है और आप कौन से इंस्टीट्यूशंस में जॉब कर रहे हैं। आपकी सैलरी कितनी होगी आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी इन एनेस्थीसिया, ये सैलरी पर एनएम की है। अगर आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट असिस्टेंट बनते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 10 लाख टू मैक्सिमम 14 लाख, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बनते हैं तो मिनिमम सैलरी 2.5 लाख टू 4 लाख, सर्जियन है तो 11 लाख टू 15 लाख, मेडिकल कंसल्टेंट है 2 लाख टू 5.5 लाख, एनेस्थेटिस्ट या फिर पीडियाट्रिशियन है तो 7 लाख टू 9 लाख तक आपकी सैलरी का पैकेज हो सकता है। ये सब कुछ हमने डाटा के थ्रू समझाने की भी कोशिश करी है। आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है वो मिनिमम सैलरी है और जो ग्रीन लाइन है वो आपकी मैक्सिमम सैलरी है।
अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है allschoolscolleges.com। आप हमें हमारे फेसबुक पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन ट्विटर। आप हमें, अगर आप चाहें तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल स्कूल्स कॉलेजेस को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि आप सबको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।